न्यू पेंशन स्कीम को और लिबरलाइज किया गया है। कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14 कर दिया है, 14% सरकारी योगदान। श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दोगुनी कर गई, 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 21,000 प्रति माह कर दिया गया। जो लोग 21,000 तक प्रति माह कमाते हैं उनको बोनस मिलेगा और दुगना 7,000 तक बोनस देने का हमने निर्णय सरकार ने लिया है। ग्रेचुटी के भुगतान की सीमा को 10,00,000 से बढ़ाकर 20,00,000 रुपए कर दिया गया। पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई, जो आज तक सर्वाधिक है। इसी प्रकार से ईएसआई के एलिजिबिलिटी कवर की सीमा भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 प्रति माह कर दी गई। प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1,000 रुपए है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2,50,000 से बढ़ाकर 6,00,000 रुपए सुनिश्चित की गई। आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मी को हमारी माता बहनों को मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई। हाफ ऑफ इंडिया जीडीपी कम्स फ्रॉम द स्वेट एंड टॉयल ऑफ 42 करोड़ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग एज स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रैग पिकर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, हैंडलूम, लेदर, न्यूमरस अदर इंडस्ट्रीज। घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। वी मस्ट प्रोवाइड देम अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर देयर ओल्ड एज। देयरफॉर इन एडिशन टू द हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड अंडर आयुष्मान भारत एंड लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आर गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लॉन्च अ मेगा पेंशन योजना नेमली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन विल बी फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विद मंथली इनकम अप टू ₹15,000। दिस पेंशन योजना शैल प्रोवाइड देम एन एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 आफ्टर दे अचीव द एज ऑफ 60 ईयर्स। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन अ स्मॉल अफोर्डेबल अमाउंट ड्यूरिंग देयर वर्किंग एज। एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर ज्वाइनिंग द पेंशन योजना एट द एज ऑफ 29 ईयर्स विल ओनली हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 पर मंथ टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स। अ वर्कर जॉब पेंशन योजना एट 18 ईयर्स ऑफ एज will only have to contribute ₹55 per month. सरकार इतना ही पैसा अपनी तरफ से उसमें जोड़ेगी। The government will contribute an equal matching share in the pension account of the worker every month. हमारा अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ unorganized सेक्टर के कर्मचारी, लेबरर, वर्कर सबको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ मिलेगा और अगले 5 साल में शायद ये विश्व सबसे बड़ी पेंशन स्कीम के रूप में उभर जाए। इसके लिए भी इसी साल हमने स्कीम को लॉन्च कर दिया है और 500 करोड़ रुपए इस स्कीम में जरूरत पड़ने पर हम देने के लिए तैयार हैं। और अधिक राशि लगेगी तो और अधिक राशि भी इसके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। द स्कीम विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड एज आई सेड फ्रॉम द करंट ईयर इटसेल्फ। आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रीच द मोस्ट डिप्राइव्ड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। टू दिस एंड द कंडीशन ऑफ द डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जो विमुक्त हैं, घुमांतु हैं
अर्ध घुमांतु समुदाय हैं उनके लिए एक विशेष इस बार सरकार ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है. दीज कम्युनिटीज आर हार्ड टू रीच, लेस विजिबल एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंटली लेफ्ट आउट. द नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड. द रेनके कमीशन एंड द इदाते कमीशन हैव डन कमेंडेबल वर्क to identify and list these communities. A committee under Niti Aayog will be set up to complete the task of identifying denotified, nomadic and semi-nomadic communities not yet formally classified. Our government will also set up a welfare development board under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Especially for the purpose of implementing welfare and development programs for denotified, nomadic and semi-nomadic communities. The board shall ensure that special strategies are designed and implemented to serve these hard-to-reach communities. This board, which is being made, the welfare development board, this is how the samuchik vikas will be in this work. It will be worried about it. और इन सभी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगा. वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट. मैडम स्पीकर, इन आर इलेक्शन मैनिफेस्टो वी हैड प्रॉमिस्ड दैट वी विल ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग क्लीनर फ्यूल. For securing the health of every homemaker in rural areas and to ensure that she does not have to shed tears for cooking food to nourish her family, our government embarked upon a program to deliver 8 crore free LPG connections under the Ujjwala Yojana. Iske antargat अभी तक 6 करोड़ मुफ्त कुकिंग गैस कनेक्शन दे जा चुके हैं. अगले वर्ष तक पूरे 8 करोड़ हो जाएंगे और देश में हर परिवार को अच्छी कुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय था उसको हम पूरी तरीके से लागू करेंगे.